अविनाश के साथ चाहत ने मिला लिया है हाथ और यहाँ से हो रही है लड़ाई शुरू। तो हम धीरे धीरे फ्यूचर में पहुंच रहे हैं, मतलब कि अभी फ्यूचर थोड़ा सा और थोड़ा 2-3 घंटे 4-5 घंटे जो है वो दूर है, बट फिर भी जो है फ्यूचर तो हम लोगों ने देख लिया है। चाहत और रजत दलाल की आप लोगों ने लड़ाई का प्रोमो देखा, आखिरकार ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई और मेरा इस लड़ाई के ऊपर और भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे गॉसिप के जरिए। और मेरे गॉसिप सुनने के बाद, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके गॉसिप क्या है। जल्दी जल्दी कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो गाइस यहां पर जो है इसने चाहते बोल दिया कि भाई मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, मेरे को तो खाना बनाना है। तो पहले ही जो है अविनाश बोल रहा है कि भाई जिसको खाना वो अपना खा सकता है, अगर मैं वहां पर रहता तो मैं तो अपना खाना खाता, मेरे को कोई गैस चलाने से रोक लेता अगर रोकना होता। तो चाहत ने जो है अपना सामान ले लिया, सब लोगों का राशन, बेसिक राशन जो कि एक्चुअली में बिग बॉस देते थे, वैसे भी जो है अविनाश ने बेसिक राशन दिया। तो फिर भी उसने जो है दाल चावल टमाटो प्याज ये वो सब चीजें करके जो है राशन अपना खाना जो है वो बनाने लगी। जो रजत ने देखा और रजत आ गया कि खाना नहीं बनेगा जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो रजत जो है ये सब चीजें बोल के जो है ज्यादा कुछ नहीं किया, बाहर चला गया, बोला कुछ ना कुछ बोला, बाहर चला गया और बाहर जाकर चिल्लाने लग गया कि भाई मैं तो लड़की को, मैं तो इसके साथ पंगा नहीं ले सकता, मैं नहीं इसके साथ बहस कर सकता, मैं वो लड़की है, मैं लड़की के साथ घुस नहीं सकता। तो चुम जाती है और तब वो ज्यादा करती है कि नहीं चलेगा, गैस नहीं चलेगा। और गैस के ऊपर के जो मतलब कि क्या वो गोल चक्कर सा एक और रहता, फिर उसके अंदर बर्नर रहता, वो तक सब चीजें निकाल लिए कि भाई ये बंदी अगर गैस चलाएगी भी तो आखिरकार इस आग के ऊपर खाना कैसे बना पाएगी, तो खाना तो बन नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से जो है इसने जाके सब चीजें बाहर भी छुपा दी रजत ने, और घमासान लड़ाई हुई और अब जो है बर्नर तो वापस दे दिया। अब रही बात, अभी इनका कहना यह है कि जब अविनाश को बाहर निकालने की बात हुई थी तब इसने हाथ खड़ा किया था क्योंकि इसको पता था कि भाई मैं जेल जाऊंगी, जेल से बचने के लिए अविनाश को बाहर निकालने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो अब जो है उसके साथ हाथ मिला रही है, अब जो है उसके साथ ये मिल गई है, चलो ठीक है। पर मेरा एक पॉइंट यहां पर उठता है, मेरे दिमाग में उठा कि जब ये अनशन पे गए थे कि भाई हम लोग हड़ताल करते हैं, हम लोग जो है कुछ खाएंगे नहीं, बिग बॉस जो है हम लोगों को जो खाना जो देना चाहिए, जो हमारी नीड्स है वो देनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग भूखे पेट रहेंगे। उस वक्त जो है सिर्फ एक बंदा, दो बंदे और एक इवन सारा भी थी जो कि ये बात बोल रही थी कि भाई मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। अविनाश ने बोला था मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा हड़ताल, मेरे को खाना मिल रहा है, मेरा सही है भाई। तो उस वक्त इन लोगों ने बोला था कि जिसको लगता है कि वो भूखे नहीं रह सकता वो अपना पोषण निकाले और खा ले, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है, ये सब लोगों को मिला के गेम नहीं है। अब आखिरकार वो चीज़ कहाँ चली गई? उस बंदे को, अविनाश को उस वक्त क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि वो अड़ता है, और उस वक्त अड़ा क्यों नहीं ये रजत वहां पर जाके? क्योंकि वो लड़का है और इसीलिए वो चीज़ नहीं अड़ रहा था। अभी ये लड़की है और इसको ये तो कमजोर समझता है, इसीलिए इसके सामने तो अड़ रहा है, इसके सामने ये चीज़ें बोल रहा है। सेम ही तो चीज़ है ना, वहां पर भी तुमने बोला जिसका जो मन है वो अपना पोषण निकाल ले खा ले, अभी भी तो यही चीज़ है ना, इंडिविजुअल गेम है, जिसका मन है खाने का और जिसको ईगो ज़्यादा है वो अपना ना खाए, वो अपना खुद भूख हड़ताल करे ना, दूसरा बंदा उसकी वजह से भूख हड़ताल क्यों करे? भाई सबकी अलग अलग क्षमता होती है, अपने हिसाब से वो बंदा चलता है। अभी चाहत को भूख लगी है, वो अपना बना के खा लेगी, तू कौन होता रोकने वाला? इंडिविजुअल गेम है, वो अपना बना के खाएगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या कहना है जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।